अरे हट यार, अरे 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 खड़ा हो जाओ, नकली से डर गए। अब इनमें से देखिए, इनमें से थी क्या कोई और खाएगा? इनमें भी है डब्बों में। ये कहाँ है आपकी सर्विस रिवॉल्वर, दिखाइए अभी। हाँ हाँ, जवाब दीजिए, कहाँ है गन? डिब्रूगढ़ से आया हूँ, क्योंकि सवाल का जवाब महफिल में कबाब और फिल्मों में अमिताभ बहुत ज़रूरी है। डिब्रूगढ़ से आया हूँ। ये है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हम पर गोली चलाई गई थी वो कहीं इंस्पेक्टर साहब ने तो नहीं चलाई। टीना को सब पता है। अरे चुप रहिए आप। अबे हम क्यों चलाएंगे बे? मैंने कहा अपना सर्विस रिवॉल्वर दिखाओ। सर मैं आपको बताती हूँ, सर सच यो है कि अरे तेज चलाओ ना, इससे तेज तो मैं पैदल उतर के भाग लूंगा। मेरा कॉन्स्टिपेशन भंग मत कर। कॉन्सेंट्रेशन या तिस्मन, 23 मिनट तजर्बा है मेरा। अरे सर आप आए, सर पता भी नहीं चला। सर आप आए हैं तो कुछ चाय वाय तो लेंगे सर आप, मैं आपके लिए चाय मंगा दूं? नहीं। सर तो समोसे ले लीजिए सर, यहाँ समोसे बहुत बढ़िया मिलते हैं सर। नहीं, अपना सर्विस रिवॉल्वर दिखाइए। चोर पूछ में सर, सर मैं भूल ही गया, आप तो नॉनवेज हैं, तो आप कबाब खाएंगे। कबाब भी कमाल के मिलते हैं सर, मैं मंगाता हूँ। नहीं, आज मेरा फास्ट है। फास्ट के लिए सर? अरे फास्ट के लिए यहाँ पर वो साबूदाने के वड़े मिलते हैं, वो मंगा देता हूँ। अरे जो भी मिलता है ले जाओ, जाओ लाया। सर्विस रिवॉल्वर दिखाओ मुझे, जैकेट उतारो, मैं बोलता हूँ जैकेट उतारो। बेअकल लोग हैं, केला खाते हैं और रास्ते में छिड़का फेंक देते हैं। केला? केला नहीं था, वो पूरा तेल बिखरा हुआ था सड़क पे, इतनी स्लो में भी नहीं दिखा आपको। सॉरी। अब क्या करेंगे, कैसे पहुंचेंगे चौकी 11 बजे तक? यू रन इज द टेक गन इज द। मैं नहीं उठ सकता, मेरी कमर बोल गई। आप सीनियर हो, आप भागो। यार मैं रबड़ का बना हूँ, मेरे भी तो अंदरूनी चोटें लगी हैं। क्या दर्द ज्यादा हो रहा है क्या? ना ना, वो तो मैं रात को दूध खाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा। ये रिवॉल्वर का, रिवॉल्वर का है? मैं पूछता हूँ रिवॉल्वर का है? मैं बोलता हूँ मुझे रिवॉल्वर दिखाओ। लगता है देर हो गई, लेकिन कोई बात नहीं। आज तक मेरी याददाश्त सच में जाती थी, लेकिन आज मैं अपनी याददाश्त जाने का फायदा उठाऊंगा। रिवॉल्वर देख ले, रिवॉल्वर असली है, खिलौना नहीं है चौबे। तुझे बोला था ना मेरे पान में चूना ज्यादा मत डालना, मत डालना, मेरा मुंह कट गया ना, अब मैं तुझे गोलियों से काट दूंगा। अरे ये क्या बदतमीजी है बल्लू, चुप हो जाओ। जाता चली गई है सर। हमारी गन मिल गई, हमारा गन मिल गया, हमारा गन मिल गया, हमारा हमारा इनकी है सर। ठीक है, हेलो, ये गन तुम्हारे पास कैसे? इन्होंने दी थी मुझे साफ करने के लिए। इसका मतलब
वो गन इनकी नहीं थी। लेकिन सर इस बात का तो पता चलाना पड़ेगा कि वो गन किसकी थी और वो कौन है जो जो नमक पर गोली चलाने की कोशिश कर। अरे तो लगाएंगे ना पता, पुलिस है तो लगाएंगे ना पता, इतनी जल्दी क्यों है। थैंक यू सर। सर डिब्रूगढ़ से आया। हाँ, तो चलिए चलिए लगा रहे सर। सर जैकेट पहन ले। हाँ तुम्हें बहुत पसीने आ रहे हैं, पहन लो। जो चुप रहे। शाबाश बिल्लू, बच गए। क्या बात है, टाइम पे आ गया मैडम। इधर आओ, तुम दोनों इधर आओ यार, तुम दोनों इधर आओ। तुम दोनों ने सच्ची यार एक दोस्त की तरह हमारी मदद की है, सीनियर की तरह नहीं, दोस्त की तरह यार। यार तुम दोनों ने हमारा दिल जीत लिया सच में यार। अरे वेलकम। परे हो जा कुलजीत, परे हो जा। सिमरन इससे अच्छा लड़का तुझे कहीं नहीं मिले, ओए कहीं नहीं मिलना। थाम ले इसका हाथ और चली जा हमेशा के लिए इसके साथ। मैं तो ट्रेन ही चलाऊंगा बस। मैं छुड़ाला, इसने मेरी जान बचाई, इसकी बाट नहीं डाल सकते हम आज, तो ना डाल सकते। चलिए जीते। तू शिकार क्यों कीता होए? मैं तो नहीं, तू शिकार क्यों कीता होए? मैं मशहूरा फिलहाल तो बच गया, लेकिन वो आदमी बड़ा चालाक है, उसने हमारी गन चुरा ली। सोचो कितना चालाक होगा वो। उसने फिंगरप्रिंट्स के निशान तो छोड़े होंगे ना गन में। वाओ 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 वाओ। राम नाम है। हैं? सही बात है सर, आपकी उंगलियों के निशान छोड़े ही होंगे सर। और दूसरी बात यह है कि वर्दी पहन के जो है ना पुलिस को बदनाम करने की भी फुल प्लानिंग है उसकी। और सर आप एक बात बताइए, आप परसों कहाँ कहाँ गए थे? क्या परसों हम कहाँ गए थे? अबे परसों तो हम वो फंक्शन में गए थे ना, मैदान में, वो चिटपुटिया मैदान में फंक्शन में। वहाँ ड्यूटी थी हमारी, बड़ी गर्मी थी। मिर्चो डाला रिटर्न आते वक्त क्या हो गया ना, हम जब गाड़ी चला रहे थे मैं सामने तालाब दिख गया, तो तालाब में एक भैंस नहा रही थी, तो भैंस को नहाते हुए देख हम भी इंस्पायर हो गए, हमने कपड़े उतारे और ठंडे तालाब में डुबकी मार ली हमने। वाओ 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 वाओ। बहुत हंसी आती है, मजा आता है। आराम ना कर यार, कोई नहीं बच्चे, कोई आराम ना। ओ बिल्लू। सर वहां आसपास कोई था? आसपास एक एक, एक, एक धोबी था, धोबी कपड़े धो रहा था, उसी के झाग में हमने भी अपने साबुन समझ के जरा रगड़ लिया हाथ पैर। धोबी सर, धोबी सर, फिर तो गारंटीड आपकी गन उस धोबी ने ही लिया सर। हो सकता है, हो सकता है जब हम नहा रहे थे तो मैं घूर रहा था वो एकदम सर। सर उसके बाद, उसके बाद आप कहाँ गए? उसके बाद हम कहाँ गए, कहीं तो गए थे उसके बाद। उसके बाद हम दर्जी के पास गए थे। नहा के निकल गए आप, दर्जी के यहाँ चले गए डायरेक्टली, क्यों सर? अरे मैडम आप बिना एक नंबर की बोलिए। अरे मैडम कोई भी इंसान दर्जी के पास क्यों जाएगा, कपड़े सिलाने जाएगा ना मैडम, कोई कराटे सीखने तो नहीं जाएगा ना। छोड़ाला आपने हमसे कहा था ना कि काली पतलून हम पर सूट करती है, तो हम वो पतलून की वो कमर का माप देने चले गए थे जरा दर्जी के पास। इसका मतलब वो दर्जी भी चोर हो सकता है सर, आपकी कमर का नाप लेते लेते उसने आपको नाप दिया तरीके से। हो सकता है बे, हो सकता है, हम तो कहते हैं वो दर्जी ही है। जाते जाते जरा वो सामान पड़ा से उठा लेना सर। सर दर्जी नहाने के बाद सर आप दर्जी के पास गए, उसके बाद दर्जी से निकल के कहीं गए? गए तो होंगे कहीं ना कहीं, तो गए होंगे। कहाँ गए थे, कहीं तो गए थे। अबे हाँ हाँ, वो नाने का पानी हमारे मुंह में चला गया, हमारा सिर दुखना शुरू हो गया ना, बहुत ही झाग था, तो
तो हम अपनी चंपी कराने गए वो चंपी वाले के पास। उसने हमें इतनी प्यार से लोरी सुनाई कि हमें नींद आ गई और 10 मिनट के लिए हम प्यार से ऐसे आंख बंद करके सो गए। वेल क्या है वेल चंपी वाले ने क्यों सुनाई लोरी इस दा, जरूर उसी ने की है गन चोरी इस दा। हाँ सर कर सकता है वे, वो भी कर सकता है। हाँ वो भी कर सकता है, हम तो सो गए थे। Here's my paper. ये चकते फटे फटे। इसका मतलब चोरी एक और चोर तीन। एक काम करो। हाँ जी जी मम्मी जी। स्प्रेड आउट हो जाओ और जाके जो है ना तीनों डेस्टिनेशन पे जरा छापा मारो, पता करो, पूछताछ करो, जिस पे भी शक हो उठा के लाओ। ओके एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन वन मोमेंट प्लीज। मुंह ढका अपना। दर्जी धोबी चंपी वाला भाई, तुम तीनों में से किसी एक ने हमारे सरजी की रिवाल्वर यानी कि पिस्टोल यानी कि गन चुराई है और नमक निगम पर गोली चलाई। अब वो तीनों में से कौन सा सूरवीर है अपने आप जो है इसे कबूल कर ले, वरना वरना एक बार हमारी मैडम के दिमाग का सिंगाड़ा दूध में पड़ के हो गया गाढ़ा, फिर हमारी मैडम एक नंबर की जुल्म की जुल्फों का झागदार शैम्पू, मेरा मतलब है गुस्से की गुर्राहट से भरा हुआ टेम्पो, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है समझे। हम आपको पागल दिखते हैं? हाँ मैडम, हम इन लोगों से पहले कह चुके हैं और आपसे भी कह रहे हैं कि हम बेगुनाह हैं। कसम कल्लू की महतारी की, नहीं खाते हैं चोरी चकारी की। हम आपको पागल दिखते हैं? हाँ अब ये बताओ कि आज से 2 दिन पहले तुम तीनों 2 बजे दोपहर के कहाँ कहाँ थे? अरे भैया, अरे 2 दिन पहले हमारी बिटिया का मुंडन था और 2 बजे तो हम अपने घर में थे, अपनी बिटिया का मुंडन करा रहे थे। सारे दाग छुड़ा दूंगा। और हम इसके घर पे थे क्योंकि इसकी बिटिया का मुंडन था जो हमने किया था। तेल चिकना है। और तुम कहाँ थे? हम आपको पागल दिखते हैं? हाँ। अरे हम कहाँ होंगे, हम भी इन्हीं के घर पे थे इनकी लड़की के मुंडन पर। इनकी लड़की को मुंडन के बाद जो फ्रॉक पहननी थी वो हम ही तो सिल के ले गए थे। हम आपको पागल दिखते हैं? या अच्छा सॉरी मैडम जी, ये दोनों जो कह रहे हैं ना बिल्कुल सही कह रहे हैं मैडम जी। अगर आप चाहो ना तो हमारी बिटिया के मुंडन की फोटो देख सकती हो। सारे दाग छुड़ा दूंगा। इसका मतलब यो तीनों एक साथ एक ही जगह पे थे जब यो कांड हुआ। हाँ। इसका मतलब इनमें से किसी ने गोली ना चलाई। अरे यार गुलगुले, एक काम कर, तू मन ने जो है ना एक बार रिपीट करके बता ये सर कहाँ कहाँ गए थे, उल्टा में बता, मतलब विपरीत में। मैडम सर चंपी वाले के पास गए थे, उसके पहले वो दर्जी के पास गए थे, उसके पहले वो नहाने गए थे और वहां पर वो ये धोबी मिला था, और उसके पहले वो उस सभा में गए थे। सभा? कौन सी सभा? वो सभा मैंने पता लगा लिया मैडम, वो सभा वो समाज सेवक डब्बू ढींगरा की सभा थी जहाँ पे सर की ड्यूटी लगी हुई थी, मुझे वहां से 3 बोरे चप्पल भी बरामद हुई।
डब्बू ढींगरा। हाँ नमस्कार मैडम, मैं हूँ समाज सेवक डब्बू ढींगरा। अरे उसका रिकॉर्ड निकलवाओ, जब सबका निकलवाया तो देखें जरा डब्बू ढींगरा ने समाज की कितनी सेवा की है। ए भाइयों और ये 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 बहनों बहनों देखिए क्या है कि हमने तो बस समाज की सेवा ही की है। आतंकवादी 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 आतंकवादी। अरे अरे सुनिए दोस्तों, हमारी दुश्मनी तुमसे नहीं है बल्कि इसके जैसे सीधे सादे समाज सेवकों से। हमने यहाँ पर एक बॉम्ब रख दिया है, अपनी जान बचाना चाहते हो तो भागो। अरे सब भाग गए मुझे अकेला छोड़ के। ये देखिए भाई साहब, ये सुनिए भाई साहब, क्या है कि आप लोग जितना बड़ा समाज सेवक मुझे समझ रहे ना, मैं दरअसल उतना बड़ा हूँ नहीं, डिब्रूगढ़ से आया हूँ। खबरदार अगर तुम अरे खबरदार अगर तुमने ऐसी करने की जरूरत भी की तो नकली गन। डिंगरा जैसे शरीफ आदमी के साथ ऐसा कर भी नहीं सकते तुम, हम गोली मार देंगे सबको। एक मिनट, आप गोली चलाइएगा मत, क्योंकि आपकी गोली निकलेगी नहीं, क्योंकि आपकी बंदूक नकली है। ओहो समाज सेवक, हाँ तुम्हें कैसे बेरा कि सर जी की बंदूक नकली से? ऐ जी वो मतलब ये ऐसे वो चल चल चल, इब ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत ना है, क्योंकि इस बार ड्रामा हमने करा है। यो आदमी मारे। हेलो मन्ने बेरा है कि उस दिन सभा में तैने ही अपनी हाथ की सफाई से सर जी की गन पार कर ली थी। वही हाथ की सफाई जो तू 20 साल पहले जो है दिखाता था, जिसकी वजह से जेल भी गया था। चल चल इब बोल, क्यों करा था ना यो सब? हाँ 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 मैंने किया, ये सब मैंने किया मैंने, क्योंकि ये बजरंग इसका बाप चबूतरा पांडे, जिसकी तस्वीर हमेशा मैं अपने सीने के साथ लगा के रखता हूँ, ये देख। पापा, माय पापा। हाँ ये वही इंस्पेक्टर लंबी मूछो वाला जिसकी वजह से मैं जेल गया था। तभी मैंने ये कसम खा ली थी कि मैं इससे इस बात का बदला लेकर आऊंगा, डिब्रूगढ़ से आया हूं। लेकिन जब तक मैं जेल से निकला, ये दुनिया से निकल चुका था। सारी जिंदगी मैं बदले की भावना में तड़पता रहा हूं। और फिर मैंने जब इसे देखा, मैं इसे देखते ही पहचान गया कि ये मेरे दुश्मन का बेटा है। बस मैंने सोच लिया कि इसे फंसाने के लिए मैंने इसकी बंदूक चुराई और नमक पर गोली चला दी। डिब्रूगढ़ से आया हूँ। तुम आए हो डिब्रूगढ़ से, लेकिन जाओगे सीधा हमारी जेल में, समझे? वेल डन मिस्टर, अलाउ वेल डन सर। आज आपने ना सिर्फ बजरंग की बल्कि पूरी पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत रखी है। आई एम प्राउड ऑफ यू। लेके जाओ इनकी जरा सेवा, हम करेंगे जेल में। चला समाज सेवक, चला।